यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शाम को टीवी ऑन करते हैं, इतने लोग मर गए, क्रॉस फायर में मर गया, एनकाउंटर में मर गया, फिदाइन में मर गया, बॉर्डर पे मर गया, तो जो हमारा अच्छा काम है, जो हम बड़े बड़े मेजर्स करते हैं, ये कहीं नजर नहीं आते। तो इसलिए जैसा कि यहां सभी लोगों ने बताया कि ये बहुत जरूरी है कि हम जम्मू कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए या हम लोगों को भी जिसमें एक पार्टिसिपेटरी रोल हमारा बनता है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अभी तक करना था, मेरे ख्याल में उन्होंने एक जो है रिप्रेजेंटेटिव को यहां भेज के एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मगर इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं जो कल यहां जो है हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स बता रहे थे कि भाई ये कौन है, इसका क्या है, तो जो ऑर्डर है दिनेश्वर शर्मा साहब का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इज टू इनिशिएट एंड कैरी फॉरवर्ड अ डायलॉग विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंसर्न इंडिविजुअल्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंसर्न इंडिविजुअल्स। तो आप उसके बाद नहीं इसको साफ करो, आप बताओ इसके साथ करेगा, उसके साथ करेगा। मुझे लगता है कि ये ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह से होम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि ये जो है सबके साथ बात करेंगे। इसी तरह से सर यहां बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो मेरा यहां क्रॉस एलओसी ट्रेड की भी बात हुई। तो मेरा ये मानना है कि हम जो गवर्नेंस, जो हम कहते हैं गवर्नेंस जो है हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, बाकी चीजें हैं, उसका इंपैक्ट तभी होगा जब हम सब लोग, अपोजिशन के लोग आज का वहां है, कल ये यहां थे, ये कोई पर नहीं, ये तो म्यूजिकल चीयर्स वाली बात है। मेरा ये है कि अगर बुरहान वानी उस वक्त पैदा हुआ तो हमारे यहां इस वक्त जो पैदा होंगे कल को दूसरे किसी को इसको फेस करना पड़ेगा। अफजल गुरु डेथ स्क्वाड, ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए। ये खाली गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस नहीं है, ये हम सबके लिए चैलेंजेस है। और जावेद साहब ने बिल्कुल सही बताया कि एक जो एक पॉलिटिकल इशू है उसको कहीं खुदा ना खास्ता रिलीजियस इशू की तरह हाईजैक ना किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं, उसका हम कोई तरीका निकाल सकते हैं। मगर रिलीजियस इट इज लाइक, आपको पता है सबसे बड़ी कामयाबी मैं जब देखती हूं कि मुफ्ती साहब के फैसले की कि आज मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर जो हमारी अलायंस है सबसे बड़ी कामयाबी की यहां पर इस वक्त हार्मनी है, भाईचारा है। जो मुख को देखिए, मैंने पिछले साल भी कहा मुझे कितना अच्छा लगता है जो कश्मीर में हमारा कश्मीरी सहमा हुआ होता है, रास्ते पे चलते सहम सहम के चलता है, उसको डर रहता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा, वो यहां आके बड़े क्या बताऊं मैं किस शौक के साथ, कैसे किस जौक के साथ वो चलता है। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब मैं सुबह मंदिर की घंटी, उसके बाद अजान और फिर दिन को गुरबानी सुनती हूं, इतना अच्छा लगता है। ये तो हमारे कश्मीर में होता था, ये तो अब वहां तो सुनाई नहीं देता ये सब, तो हमने इसको वापस लाना है। ये हमारे बच्चों की विरासत है,